हेलो, कहाँ जा रही हो? वो घर जा रही थी। घर इतनी जल्दी? चलो बैठो, मूवी देखने चलते हैं। मूवी? एक्चुअली मुझे कुछ काम है यार। अरे यार, पिछली बार भी तुमने मना कर दिया था। एक्चुअली रोहित, मुझे सच में काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारा रोज का ही है, तुम जानते नहीं हो क्या रोहित, इसका हमेशा का ही ऐसा है। हाँ, हर बार के वही बहाने। यार मैं बहाने नहीं दे रही हूँ। ओ प्लीज, स्टेशनरी के पैसे तो तुम्हारे पास होते नहीं है, मूवी के लिए कहाँ से पैसे लाओगी? तू ऐसे क्यों बोल रही है मानसी? अरे सही तो बोल रही है। रोहित, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके पीछे? इसके चक्कर में मूवी मिस हो जाएगी। छोड़ो, चलते हैं। लेट्स गो। बुआ, बुआ, सानवी तुम यहाँ? मानसी तुम आओ। वो मैं? ओ, तो तुम दिव्या की नई ट्यूशन टीचर हो, राइट? हाँ, तभी मैं सोचा कि तुम इतने टाइम से बच्चों की किताबें क्यों पढ़ रहे हो। वो मैंने सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, इसी बहाने साइड इनकम हो जाएगी। क्यों, तुम्हारे डैड तुम्हारी कॉलेज की फीस नहीं देते हैं क्या? बाय द वे, तुम्हारे डैड करते क्या है? ऐसा तो नहीं कहीं तुम मूवी देखने के लिए पैसे जोड़ रही हो? देखो मानसी, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। पापा मैकेनिक हैं तो उनकी इनकम बहुत कम है यार। हाँ, नहीं बताऊंगी किसी को। और वैसे भी बच्चों को पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं? बुआ, गुड मॉर्निंग टीचर जी। मानसी, क्या तरीका है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं? मैंने तुझे मना किया था ना सबको बताने के लिए, तूने फिर भी बता दिया, क्यों? क्या प्रॉब्लम है टीचर जी, क्यों गुस्सा हो रही हो? हाँ मैंने बताया तुझ जैसे लोगों को ये बताने के लिए कि तुम जैसे गरीब लोगों की इस कॉलेज में कोई जरूरत नहीं है, समझी? तो चल निकल यहाँ से। निकली निकलो। बाय बाय टीचर जी। सर, ये मेरे रिसर्च पेपर्स हैं। ये सब तो ठीक है मिस मानसी, हम पैनल हेड का वेट कर रहे हैं। वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है। लीजिए मैम। आमी सानवी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। बाकी आप एक बारी रिसर्च मेरी चेक कर लीजिए और ये मेरा कंक्लूजन है कि यही बेस्ट रिसर्च रहेगी। मिस मानसी, आपका रिसर्च सैंपल साइज छोटा है और इस बेसिस पर आपको अप्रूव नहीं कर सकते। सर प्लीज़, मैंने इस रिसर्च पे बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। मिस मानसी, वी आर सॉरी बट हमें लगता है कि आपका रिसर्च काफ़ी अर्ली स्टेज पर है, आप कुछ और इम्प्रूवमेंट कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, आई थिंक आपने प्राइमरी रिसर्च के एनालिसिस को नज़रअंदाज किया है। शी हैज़ अ गुड सैम्पल साइज एंड इनकी मेहनत इस रिसर्च में साफ साफ दिखाई दे रही है। यू आर राइट मिस सानवी, ऐसे ही आपको जीनियस नहीं कहा जाता। मिस मानसी, आप जो माइनर चेंजेस मिस सानवी ने आपको बताया है वो कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम प्लीज कॉल मी बाय माय नेम। आई एम सॉरी सानवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए। इट्स ओके मानसी, मैं पुरानी सारी बातों को पीछे छोड़ चुकी हूँ एंड आई नो एक टाइम पे तुमने मेरे साथ गलत किया था। फिर
तुमने मेरी प्रेजेंटेशन अप्रूव क्यों करी? मैंने ये रिसर्च तुम्हारी मेहनत और काबिलियत के बेसिस पर अप्रूव करी है, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती थी जो एक टाइम पर तुमने मेरे साथ किया था। आई एम सॉरी सानवी, मैं तुम्हारी दोस्त होते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, उल्टा तुम्हें प्रॉब्लम्स में ही डाला। लेकिन तुम्हें आज इस पोजीशन पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जो डिजर्व करती थी वो तुम्हें मिला है। एंड डोंट वरी, तुम्हें भी जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। क्या? तुम्हारी PhD की डिग्री। अच्छा, चले। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी डीटी।